नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रोट, ठीक है, सूखे के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पढ़ा था और कल जो है क्लास बहुत छोटी थी और एक ही क्लास थी। उसका रीज़न ये है बच्चों कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने आपसे 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से जो है क्लास बहुत शॉर्ट थी और बट मैं ये चाहता था कि एटलीस्ट कम कंटिन्यू रहे, है ना, हमारा कोई गैप ना हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ड्रोट या सूखे के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो सूखा किसको बोलेंगे, ड्रोट किसको बोलेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि बारिश जो अगर हम किसी को किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं 100%, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं 100%, तो कब उसको सूखा बोलेंगे, कब उसको हम अति सूखा मतलब ड्रोट बोलेंगे, कब हम उसको सीवियर ड्रोट बोलेंगे, कब 20% रहेगा तो ड्रोट एरिया बोलेंगे, कब 40% रहता है तो हमको क्रॉनिक ड्रोट एरिया बोलते हैं, सारी चीज़ पे बात करते हैं और इसके टाइप्स की भी बात करेंगे। देन फिर इसको कैसे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। तो ड्रोट का सीधा मतलब समझो, ड्रोट का मतलब समझो कि जो एनुअल रेनफॉल है, जो वार्षिक वर्षा है, वो 75% से कम अगर होती है, ठीक है, जो वार्षिक वर्षा है वो सामान्य से 75% से कम अगर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ड्रोट। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, इन दो पॉइंट में लिखूंगा, दो पॉइंट में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहना क्या चाह रहा है। यहां पर ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूज करता है बुक के अंदर, ठीक है। मतलब जो है जो एनुअल रेनफॉल है, ठीक है, एनुअल जो रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल से 75% कम। क्या होनी चाहिए, नॉर्मल लेस देन 75% टू नॉर्मल, ठीक है, मतलब सामान्य से 75% कम, सामान्य से 75% से कम। अब ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूज करता है, मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखता हूँ। इसी को दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है कि एनुअल रेनफॉल क्या होनी चाहिए, लेस देन 25%, ठीक है, 25% से अगर क्या बोल सकते हैं, 25% से ज़्यादा की कमी है, ठीक है। अगर एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा में अगर 25% से ज़्यादा की कमी हो गई तो उसको हम ड्रोट बोलेंगे। दोनों पॉइंट को समझना, अभी बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एनफॉल डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल मोर देन 25%, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल ग्रेटर देन 25% ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का मतलब सेम है, दोनों पॉइंट का मतलब सेम है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वर्षा की कमी, ठीक है, मतलब क्या लिखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल मोर देन, मतलब 25% से ज़्यादा, सामान्य से 25% से ज़्यादा की कमी अगर हो जाए वर्षा में तो उसको हम ड्रोट बोलेंगे। मैं क्या लिख सकता हूँ, सामान्य से 25% से ज़्यादा की कमी, ज़्यादा की कमी, ठीक है, सामान्य से 25% से ज़्यादा की कमी वर्षा की, हम बोल सकते हैं वर्षा की सामान्य से 25% से ज़्यादा की कमी, या डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल मोर देन 25% ऑफ नॉर्मल, सामान्य जो वर्षा है उसमें अगर 25% से ज़्यादा की कमी हो जाए तो हम ड्रोट बोलेंगे, या फिर नॉर्मल की 75 से कम अगर वर्षा हो रही है। दोनों का मतलब समझ, देखो मैं अगर क्या बोलूँ, ये 100% है, ठीक है, ये 100% है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर 100 में से हमें कितने कम मिले, अगर मैं यहाँ बोलूँ 100 में से मुझे 75 मिले अंक, ठीक, 100 में से मुझे 75 अंक मिले, या फिर मैं ये बोलूँ 100 में से मुझे 75 अंक नहीं मिले, बात को समझना, 100 में से 75 अंक का मिलना और 100 में से मुझे 75 अंक नहीं मिले, देखो 100 में से 75 मिले मतलब 75 मिले, 100 में से 25 नहीं मिले मतलब भी 75 मिले, वही वाली कहानी है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट इसलिए भी कंफ्यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है ना वो टफ पड़ जाती है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एनुअल रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल में अगर 75% नॉर्मल, जो 75 लेस देन 75% टू नॉर्मल, मतलब 75% से नॉर्मल, अगर नॉर्मल से अगर 75% से कम अगर एनुअल रेनफॉल हो रही है, सामान्य से 75% से कम अगर रेनफॉल हो रही है तो भी ड्रोट बोलेंगे, और जो रेनफॉल है उसमें 25% से ज़्यादा की कमी हो रही है तो भी उसको ड्रोट बोलेंगे। समझना बात को, यहाँ पर क्या बोल रहा है,
अगर मान लो 100% रेनफॉल है, अगर मैं बोलूँ साल में अगर 100% रेनफॉल मानी जाए तो क्या हो रही है, 75 से कम, 75 से कम हो रही है। मान लो कि यहाँ पे मान लो 70% ही रेनफॉल हो रही है, ये रेनफॉल हो रही है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं 75% से भी कम रेनफॉल हो रही है। सामान्यतः 100 होनी चाहिए लेकिन 75 से भी कम हो रही है, ठीक, सामान्यतः 100 होनी चाहिए, इसमें 25% से ज़्यादा की कमी हो रही है। मतलब वही बात है, 25% ज़्यादा की कमी मतलब कितना हो रहा है, 70% यहाँ पे भी रेनफॉल हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 75% सामान्य से 75% से कम वर्षा हो रही है, मतलब लगभग 70% वर्षा हो रही है या 75 से कम वर्षा हो रही है। यहाँ पर ये बोला है कि 25% से ज़्यादा की कमी हो रही है सामान्य से। अब सामान्य 100 है उसमें 25% ज़्यादा की कमी, मतलब वही 70-75% हो रही है। दोनों पॉइंट का मतलब सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूजन यहाँ पर होता है। दोनों पॉइंट आपको बुक में मिलते हैं, बुक में ये लिखा भी मिलता है कि जो एनुअल रेनफॉल है उसमें अगर 75% से कम, सामान्य से 75% कम अगर जो रेनफॉल हो रही है, वार्षिक वर्षा हो रही है, हिंदी में बोलूँ तो सामान्य से 75% कम वार्षिक वर्षा का होना ड्रॉट कहलाता है, या फिर हम बोलूँ सामान्य से 25% से अधिक रेनफॉल की कमी होना, ठीक है, तो भी मतलब सेम है, दोनों का मतलब होता है ड्रॉट। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट दोनों समझ में आ गए, दोनों का मतलब सेम है। कंफ्यूजन होता है, यहां हम बोलते हैं कि 75% से कमी, यहां हम बोलते हैं कि 25% या उससे ज्यादा की अगर कमी हो रही है, लेकिन मतलब सेम है, लिखने का तरीका अलग है। 100 में से मुझे 75 नंबर मिले, 100 में से मुझे 25 नंबर नहीं मिले, दोनों का मतलब सेम है, ये वाली कहानी यहां पर है, ठीक है। ये हमने यहां पर जो है चीजें देखी, अब आगे हम बात करते हैं, क्लियर, आगे हम बात करते हैं यहां पर, ठीक। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखो, और एक एक चीज होती है यहां पर, ड्रॉट एरिया, ठीक है, क्या बोलेंगे, जीएसटी ड्रॉट एरिया, ये मैंने लिखा। एक मैं लिखूंगा क्रोनिक ड्रॉट एरिया, क्रोनिक ड्रॉट एरिया, ठीक है, क्रोनिक ड्रॉट एरिया यहां पर मैं लिखूंगा। देखो दोनों का मतलब समझना क्या होता है, दोनों का मतलब हमें समझना क्या होता है, बता, थोड़ा सा है ना भारी साउंड आपको मिल सकता है, क्यों, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, मतलब हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमें क्लास कंटिन्यू करना है तो थोड़ा सा एडजस्ट तो आपको करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही, हो सकता है कि साउंड नहीं आए लेकिन फिर भी आता है तो समझ जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, एकदम आंधी तूफान जैसा गर्मी में माहौल आप देख सकते हो क्या चल रहा है, ठीक है। तो ड्रॉट एरिया और क्रोनिक ड्रॉट एरिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रॉट एरिया किसे बोलेंगे, क्रोनिक ड्रॉट एरिया किसे बोलेंगे, सूखा क्षेत्र, इसको हिंदी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सूखा क्षेत्र, क्या लिखूंगा, सूखा क्षेत्र, ठीक, सूखा क्षेत्र, और इसको मैं लिखूंगा क्रोनिक सूखा क्षेत्र, क्रोनिक सूखा क्षेत्र, ठीक है, इसको समझ जाना। अब अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा एरिया है, ठीक, मान लो ये कोई भी एरिया है, ठीक है, कोई भी एरिया है या क्षेत्र है, ये एक मैंने एरिया ले लिया, कोई भी एरिया या क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एरिया, किसी भी क्षेत्र ले सकते हो आप, दिल्ली, भोपाल, आगरा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कुछ भी एरिया ले लो, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ले लो, आपका खेत भी ले लो, ठीक है, आपका फील्ड भी ले सकते हो। अगर इसमें पूरे एरिया, ये पूरा एरिया मान लो कितना है, 100% है, ठीक है, 100% में अगर मैं बोलूँ कि 20% एरिया जो है आपका क्या है, 20% एरिया जो है अगर वो क्या है, ड्रॉट है, 20% एरिया, 100% एरिया है, उसमें 20% जो है वो क्या है, सूखा है, ड्रॉट है, ड्रॉट है, ठीक है, ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट एरिया है 20%, ठीक है। अगर आप जहां पर खेती कर रहे हैं, खेती करने वाला जो एरिया है या फिर जो नॉर्मल एरिया है, उसमें 20% मान लो क्या है, सूखा है, ड्रॉट है, अगर मैं सिर्फ ड्रॉट लिखूं यहां पर, 20% जो है सूखा है वहां पर, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉट एरिया या सूखा क्षेत्र, ठीक है। 100% एरिया है, इसमें से मान लो 20% क्षेत्र सूखा है, तो उसको हम सूखा क्षेत्र ड्रॉट एरिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मान लो पूरा 100% हो गया, उसमें से अगर हम बोल लें कि अगर जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर बारिश नहीं हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो ड्रॉट एरिया है, सूखा एरिया घोषित कर दिया गया है उसको। ऐसा नहीं कि पूरा मध्य प्रदेश को करेंगे, कुछ पार्ट जो है जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इसको सूखा क्षेत्र घोषित कर देते हैं, पूरे मध्य प्रदेश को तो सूखा क्षेत्र नहीं करते हैं। जहां पर लगता है कि ये एरिया जो है 20% जो है यहाँ पर लग रहा है कि 20% से ज़्यादा यहाँ पर क्षेत्र सूखा है, तो उसको ड्रॉट एरिया बोल देते हैं। तो वही है, कहने का सेंस मतलब यही है इसका, कि अगर आपका 100% एरिया आपको दिया है, ठीक है, 100% एरिया आपका है,
तो आपको ऐसा लग रहा है कि 20-35 एरिया जो है इसमें बारिश नहीं हुई है, ये क्षेत्र में जो है लगभग सूखा पड़ गया है, मतलब यहाँ पर बारिश ही नहीं है, पानी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोए फसल होगी नहीं, तो उस एरिया को हम ड्रोट एरिया बोल देते हैं, बाकी एरिया तो नॉर्मल रहेगा। ठीक, अगर यही सूखा एरिया बढ़कर 40% हो जाए, ठीक है, 40% ड्रोट एरिया हो जाए, UGHD, ठीक है, 40% अगर ड्रोट एरिया है, मतलब यही एरिया 20 से क्या हो जाए, 40 हो जाए, तो इसको हम क्रोनिक ड्रेट बोल देते हैं। ठीक, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई मिलती है, लेकिन डेफिनेशन को समझना ही सबसे बड़ी टास्क होती है ना, पढ़ हर कोई लेता है डेफिनेशन से या बुक से, लेकिन एक्चुअल में वो बोल क्या रहा है उसको समझना जरूरी है। तो पहले जो हमने डेफिनेशन समझी वो कबाली कंफ्यूजिंग है, तो वहां पर हमने चीजें क्लियर की, दोनों का मतलब सेम है, 75% से कम बारिश हो रही है, मतलब 70-72-74% कम हो रही है, सूखा बोल दिया, या फिर जो 100% हो रही है उसमें 25% से ज्यादा की कमी हो रही है, उसका मतलब भी सेम है। यहां पर ड्रॉट एरिया और क्रॉनिक ड्रॉट एरिया का मतलब क्या है, अगर मान लो 100% एरिया है, पूरा एरिया है, उसमें 20% एरिया में सूखा पड़ गया, 20% एरिया में सूखा पड़ गया तो उसको सूखा क्षेत्र बोलेंगे, और यही सूखा क्षेत्र बढ़कर अगर 40% पर पहुंच जाए तो उसको क्रॉनिक सूखा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। और यहां पर बोला है कि अगर जो ड्रॉट एरिया है ना, जो रेनफॉल है, डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल है, जो डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल, जो रेनफॉल की डिफिशियंसी है, वो मोर देन 50% अगर हो जाए टू नॉर्मल, नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल से अगर 50% से अधिक क्या हो जाए, नॉर्मल से 50% से अधिक की कमी हो जाए रेनफॉल में, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर ड्रॉट। क्या बोलते हैं? सीवियर ड्रॉट, अति सूखा। क्या बोलते हैं उसको? अति सूखा, अति सूखा बोलेंगे। ठीक, मतलब सामान्य से 50% से अधिक की कमी हो जाए, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा में सामान्य से क्या हो जाए, सामान्य से 50% से अधिक की कमी, 50% से अधिक की कमी हो जाए, ठीक है, 50% से अधिक की कमी हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीवियर ड्रॉट। क्लियर है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर 50% से ज्यादा की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सीवियर ड्रॉट बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हो गई बेसिक चीजों की, कि बेसिक चीजें हमने यहां पर डिस्कस की। अब यहां पर बात हम करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स क्या होते हैं ड्रॉट के, अगर टाइप्स हम देखें तो यहां मैं बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, ठीक है, UGHD, ड्रॉट की अगर मैं टाइप करूं, सूखा के प्रकार या सूखा क्षेत्र के प्रकार हम बोल सकते हैं। तो इसमें आप पांच प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एक होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, एक होता है आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। चलिए, तो टाइप ऑफ ड्रॉट्स की बात कर रहे हैं तो टोटल पांच प्रकार से, जनरली बुक में आपको तीन मिलेगा, मैं पांच यहां पर बताऊंगा, कहीं कहीं बुक में पांच भी दिए हैं, पांचों पढ़ेंगे। एक होता है आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, एक क्या होता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, या हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको मौसमी सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं, पर इसको इंग्लिश में याद रखो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, या जो है मेट्रोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, मौसमी सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं, तो इसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट याद रखो, इंग्लिश में ही याद रखो बच्चों, है ना। दूसरा होता है अपना एग्रीकल्चर ड्रॉट, ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट, ठीक है, कृषि सूखा बोल सकते हैं इसको। तीसरा होता है अपना हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। चौथा आप ले लो, क्या हो गया, मेट्रोलॉजिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हाइड्रोलॉजिक एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, और पांचवा आपका हो जाएगा फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो टोटल पांच प्रकार के ड्रॉट है बच्चा, थोड़ी सी कटकट की आवाज इसलिए आ रही कि जो पेन है इसकी नीब आगे से टूट गई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कल चेंज हो जाएगा। तो मेट्रोलॉजिकल डॉट, एग्रीकल्चर डॉट, हाइड्रोलॉजिकल डॉट, एटमॉस्फेरिक डॉट और फिजियोलॉजिकल डॉट, ठीक है, इसको नाम इंग्लिश में याद रखना, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक, अब इसको वन बाय वन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल डॉट, तो जो अभी हमने पढ़ा है मेट्रोलॉजिकल डॉट, जो अभी हमने पढ़ा है वो जो है वो आपका मेट्रोलॉजिकल डॉट ही है। जो अभी हमने डिस्कस किया, जो बेसिक डेफिनेशन हमने क्या बोला है कि जो एनुअल रेनफॉल है वो आपका क्या है, अगर
नॉर्मल से क्या है एनुअल रेनफॉल में, क्या है एनुअल रेनफॉल आपकी क्या है लेस देन 75% टू नॉर्मल, ठीक है ठीक। ये या फिर मैं बोल सकता हूँ डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल मोर देन 25% टू ऑफ नॉर्मल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक ही बात है, मैं एक ही डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने स्टार्टिंग में जो मेन डेफिनेशन लिखी ड्रॉट की वही मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है। तो अगर एनुअल रेनफॉल में अगर क्या हो रही है कमी हो रही है 75% से कम अगर रेनफॉल हो रही है नॉर्मल से तो उसको हम बोल देते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। हमें बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या सामान्य से 75% से कम वार्षिक वर्षा का होना, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्लियर है, यही हमारा मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। ठीक, दूसरा मैं बात करता हूँ, इसमें वो सारी डेफिनेशन आ जाएगी 25% वाली, 20%, 40%, वो सब वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है। दूसरा मैं बात करूँ आपको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है बच्चा, देखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब जब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है ना, मेट्रोलॉजिकल जो ड्रॉट है, मेट्रोलॉजिकल जो सूखा है, अगर वो लंबे समय तक हो जाए, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या बोला कि 75% से अगर कम, सामान्य से अगर 75% से कम अगर वर्षा हो रही है, मतलब लगभग 70 हो रही है, 65 हो रही है, ठीक है, 75 भी अगर हो रही है तो उसको हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। लेकिन अगर ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है, मेट्रोलॉजिकल सूखा है, ये अगर लंबे समय तक हो, अगर ये लंबे समय तक होगा तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोलॉन्ग रिजल्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग रिजल्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब लंबे समय तक, हिंदी में इसका समझ लो क्या होगा कि अगर मेट्रोलॉजिकल सूखा लंबे समय तक, या लंबे समय का मेट्रोलॉजिकल सूखे का जो लंबे समय का जो परिणाम है वो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है। अब देखो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर डिफिशियंसी हो जाएगी या डिप्लीशन हो जाएगा। मैं क्या लिखूं यहां पर, डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ स्ट्रीम, जो धारा है हमारी नदी धारा स्ट्रीम, स्ट्रीम हो गया, या फिर मैं बोलूं यहाँ पर लेक झरने हो गए, या फिर मैं बोलूं रिवर, ठीक है, या फिर मैं बोलूं रिजर्वेयर, रिजर्वेयर जो तालाब है, इनमें क्या हो गया पानी की कमी हो गई या ये ड्राई हो जाए, डिप्लीशन ऑफ, या डिप्लीशन ऑफ वाटर, डिप्लीशन ऑफ, ऐसा लिखो, डिप्लीशन ऑफ वाटर इन, ठीक है, मतलब पानी की कमी कहाँ पर, स्ट्रीम में, लेक में, रिवर में और रिजर्वियर में, मतलब नदी, तालाब, झरना, इन सब में पानी की कमी होना हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। इस सीधा सा मतलब है, मतलब इनका जो नदी तालाब है इनका सूख जाना, नदी तालाब इनका सूख जाना। और ये सूखते क्यों हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा अभी गर्मी चल रही है तो नदी नाला, नदी नाल ना, जो नदी है आपके तालाब है, ये सब में क्या वाटर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर जो लेवल है, जो नीचे का जो पानी है वो और नीचे जा रहा है। इस वजह से इसको, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर नदी नाले तालाब वगैरह सब सूख जाए, ठीक है, मतलब खेत में पानी देने के लिए बचे ही नहीं, तो उसको हम बोल देते हैं आपके कुएं, वेल भी अगर सूख जाए, रिजर्वियर और वेल भी लिख सकते हो, वेल मतलब तालाब, सब में अगर पानी की कमी हो जाए या वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हिंदी में लिखना चाहे बच्चा लोग लिख लो, ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, आपका नदी तालाब झरने झील आदि का सूख जाना क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाता है। और इसका कारण, इसका एक रीजन भी क्या है, इसको सूखने का रीजन क्या है, रीजन क्या है, अगर मैं रीजन की बात करूं, कारण की अगर मैं बात करूं, रीजन की बात करूं, तो रीजन सुनो, रीजन क्या है, इंडस्ट्री, क्या है रीजन, क्या है इंडस्ट्री, मतलब जो है औद्योगिक कारखाने वगैरह बोल सकते हो, औद्योगिकरण बोल सकते हो, आपका बिजली पावर जनरेशन बोल सकते हो, आप पावर जनरेशन, ठीक है, बिजली वगैरह हम बना रहे हैं,
तो जब बिजली बना रहे हैं तो वहां पर पानी का लोस हो रहा है, नदी नाले आप देख रहे हो, नदियां जो सूख रही है क्योंकि वहां पर पावर जनरेशन हो रहा है, बिजली बन रही है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में पानी की जरूरत होती है, जो भी आपने इंडस्ट्री या कारखाना देखा होगा उसके पीछे तालाब बना हुआ होता है क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है वहां पर, तो इनकी वजह से भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो नदी नाला हमारे पानी सूख रहे हैं, सूख रहे तो हमें खेत में देने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। सीधा सा मतलब समझना, दो पढ़े हमने मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, 75% से कम वर्षा हो रही है या 25% से ज़्यादा की कमी हो रही है तो वो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है। दूसरा हमने पढ़ा जब मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है वो लंबे समय तक हो जाए तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब क्या हो रहा है कि सीधी सी बात है कि जो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है 75% या 50% या उससे भी ज़्यादा अगर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि पानी की कमी होना, जो हमारे नदी नाला ताले झील इनमें अगर पानी की कमी हो जाए या ये सूखने लग जाए या सूख जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और उसका कारण क्या है, इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन, बिजली उत्पादन हम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है यहाँ पर वाटर लेवल जो हमारा कम हो रहा है, इसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के अलावा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के अलावा नंबर तीन हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट, ठीक है, कृषि सूखा बोलेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या हो, कृषि सूखा का मतलब क्या है, देखो कृषि सूखा का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है इवापोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। एग्रीकल्चर ड्रॉट का मतलब क्या है, मैं सीधा लिख सकता हूँ शॉर्ट में, इवापोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बच्चों कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द एटमोस्फियर, वातावरण से या फिर एटमॉस्फेयर से पानी का किसी भी रूप में पृथ्वी अर्थ पर आना, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस पर या अर्थ पर पृथ्वी पर पानी का किसी भी रूप में वातावरण से आना या एटमॉस्फेयर से आना, चाहे वो लिक्विड के रूप में आए या सॉलिड के रूप में आए या गैस के रूप में आए, ठीक है, या तो लिक्विड के रूप में हो, सॉलिड के रूप में हो या गैस रूप में। लिक्विड में पानी आ जाएगा, रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं, है ना, 0.5 mm से कम, 0.5 mm से ज़्यादा डीजल हम बोल देते हैं, ठीक है, आगे हम मेट्रोलॉजी में सारा पढ़ेंगे। तो पानी का किसी भी रूप में पृथ्वी पर आना वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में अंतर है, समझना बात को, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब किसी भी फॉर्म में आना, चाहे लिक्विड में आ रहा है, सॉलिड मतलब ओले गिर रहे हो, गैसियस वाटर वेपर के फॉर्म में, या उसको हम बोल देते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। और रेनफॉल मतलब सिर्फ आपका जो है बूंदों के रूप में जो बारिश होती है जिसका जो डायमीटर होता है 0.5 mm के आसपास होता है, ठीक है। तो ये इवापोट्रांसपिरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन है ना, दोनों को हम क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन, या इवापोट्रांसपिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देख लेना यार, इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण होता है और ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पो उत्सर्जन, तो इवापो ट्रांसपिरेशन को वाष्पी वाष्पो उत्सर्जन जो भी बोलो, है ना, वाष्पी वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है, जैसा भी यार लिखना चाहो लिख लेना, क्या लिखेंगे, वाष्पी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ये बोलेंगे वाष्पी वाष्पो उत्सर्जन, क्या हो, ज्यादा हो वर्षण से, ज्यादा हो वर्षण से, वर्षण से, तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि सोइल में पानी की कमी होना, सीधी सी बात है, ये हमारी सोइल है, ठीक है, ये हमारी सोइल, सोइल में हमें क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, हमें चाहिए नमी, और सोइल में रमी कहाँ से आएगी, रेनफॉल से आएगी, ठीक है, रेनफॉल से, जब बारिश होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, रेनफॉल, इससे सोइल में नमी आएगी, ये हमारा है प्लांट, ठीक है, अब इस प्लांट से क्या होगा, यहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, मतलब इवापोरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट की सरफेस से, इवापोरेशन जो होता है वो सोइल की सरफेस से, ठीक है, इवापोरेशन कहाँ होता है, सोइल की सरफेस से होगा, ट्रांसपिरेशन प्लांट की सरफेस से होगा, लगभग 99% जो है इवापोट्रांसपिरेशन हो जाता है। अब मान लो इवापोट्रेशन कितना चाहिए, 99% जो है प्लांट जो है पानी को इवापोरेट कर देते हैं, इवापोट्रांसपिरेशन हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, प्लांट जो है 99% वाटर को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, हानि हो जाती है। अब मान लो यहाँ पे रेनफॉल जो हो रही है, मान लो रेनफॉल सोइल के अंदर मॉइस्चर 80% ही है, सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, 80% ही है, लेकिन इवापोट्रांसपिरेशन 99% हो रहा है, ठीक है, 99% जो है पानी का लॉस हो रहा है, और प्लांट और सोइल दोनों से हो रहा है, तो पानी सोइल के अंदर जो है, सोइल के अंदर मॉइस्चर 80% ही है, लेकिन इवापोट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, 99% यहाँ पर ले रहा है,
तो लेकिन अब यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है कि जितनी यहाँ पर प्लांट को ज़रूरत है पानी की इवापोट्रांसपिरेशन के लिए, उतना जो है सोइल के अंदर मॉइस्चर नहीं है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। ठीक है, मतलब ईटी जो है ज़्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन से, मतलब जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा प्लांट और सोइल क्या कर रही है, इवापोट्रांसपिरेशन कर रही है। ये सीधा सा मतलब है एग्रीकल्चर ड्रॉट का। इसकी वजह से क्या होती है, क्रॉप फेल हो जाती है, सीधी सी बात है भाई। इसको ज़रूरत है 99 की और सोइल से कितना मिल रहा है, केवल 80। तो यहाँ पे कमी हो रही ना 19 की, 19 की अगर मान लो कमी होगी मॉइस्चर की, 19% की कमी होगी, तो धीरे धीरे प्लांट सूखने लगेगा, क्योंकि जितना इसको ज़रूरत है उतना उसको मिल नहीं रहा है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। समझ में आ गई बात, कि जो जितना पानी की ज़रूरत है प्लांट को उतना उससे सोइल से मिल नहीं रहा है। ठीक है, मान लो आपको प्यास लग रही है और आपको 2 गिलास पानी पीना है और आपको मिला है सिर्फ 1 ही गिलास, मतलब क्या है यहाँ पर, ये आपका ड्रॉट हो जाएगा, ह्यूमन ड्रॉट बोल दो इसको। ठीक है, आप बहुत प्यासे हो और आपको लग रहा है कि आप जो है 2 लीटर पानी पी जाओगे और आपको मिला 1 ही लीटर पानी, मतलब क्या हुआ, 1 लीटर पानी की कमी। और ये जो कमी है इसकी वजह से जो ड्रॉट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर ड्रॉट। ठीक, ये सीधा सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रॉट के बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट इसको हम बोल देंगे। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट का मतलब होता है जो ह्यूमिडिटी होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर वो नॉर्मल से कम होना। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ जो ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर टू द नॉर्मल। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, या डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमिडिटी, डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, डिफिशियंसी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फियर, ऐसा हम बोल सकते हैं, टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल, जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उससे अगर कमी हो गई एटमॉस्फियर में ह्यूमिडिटी की, मतलब आर्द्रता की कमी होना। ठीक है, सामान्य से कम आर्द्रता का वातावरण में होना होना एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कहलाता है। भाई जितनी ह्यूमिडिटी हमें वातावरण में चाहिए उससे कम है, सामान्य से कम ह्यूमिडिटी अगर वातावरण में है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक ड्रॉट बोल देते हैं। ठीक है, नंबर 5 की अगर बात करूं, नंबर 5 में आ जाएगा आपका क्या, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। क्या आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है बच्चों कि सोइल जो है या प्लांट जो है वो अनेबल है, या प्लांट जो है वो सोइल से पानी को या वाटर को, मॉइस्चर को एब्जोर्ब ही नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो ड्रॉट आ रहा है उसको हम बोल देते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट बोल देते हैं। मतलब समझो, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट है, जो प्लांट्स आर अनेबल, ठीक है, अनेबल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू द सॉइल। ठीक है, मतलब मृदा से नमी को जो एब्जॉर्ब करने, अवशोषित करने में जो है पौधा असमर्थ है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि पौधे का या पौधों का मृदा से, सोइल से नमी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है या एब्जॉर्ब नहीं कर पाना जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहला या फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहलाता है। क्या बोलेंगे, पौधों के द्वारा मृदा से नमी को अवशोषित नहीं कर पाना, इसको हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। इससे होता क्या है, इसकी वजह से साल्ट कंसंट्रेशन जो है वो हो जाता है, या साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है सोइल में। सोइल के अंदर क्या होता है, साइल का कंसंट्रेशन, लवण का जो कंसंट्रेशन है सोइल के अंदर बढ़ जाता है। अब सोइल से जो है प्लांट ले ही नहीं पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, किसी कारणवश जो है प्लांट नहीं ले पा रहा है सोइल से मॉइस्चर्स को या पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो सोइल के अंदर जो है पानी भरा रहेगा, उसकी वजह से क्या होता है, साल्टी कंडीशन हो सकती है, साल का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, ये 5 प्रकार के ड्रॉट हमने यहाँ पर समझे वन बाय वन सारी चीज़ें। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को अक्सर रहता है। जब शुरू बार मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन लगा कि 75% से कम क्या, 25% से कम क्या, कहना क्या चाह रहा है बुक में।
तो थोड़ा सा रहता है, मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो, ठीक है। आई होप इतना आशा कर सकता हूँ कि आपको क्लियर यहाँ पर चीज़ें हुई होगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसको कैसे रोकें। तो अभी हमने बात की यहाँ पर ईटी, इवापो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवापो ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक इवापोरेशन, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। एक हो सकता है वाष्पीकरण, एक होता है क्या, वाष्पीकरण, और एक होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। इवापोरेशन जो होता है वो सोइल सरफेस से होता है, सोइल या ओशियन, ठीक है, ओशियन सरफेस से होता है, ठीक है, मृदा की सतह से या समुद्र की सतह से, ऐसा बोल सकते हो, मृदा की सतह से होता है, ठीक। और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो प्लांट सरफेस से होता है, ठीक है, प्लांट सरफेस से होता है, प्लांट सरफेस से होता है मतलब पौधों की सतह से, ठीक है, पौधों की सतह से होता है, ठीक। इसके अकेले, इसके द्वारा, इसके अकेले से लगभग 60 से 70% वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस अकेले इससे ही पानी का लॉस हो जाता है इवापोरेशन से, मतलब मृदा से और जो समुद्र की सतह से पानी उड़कर चला जाता है, और इन दोनों को अगर मिला लें तो 99% वाटर लॉस हो जाता है, केवल वाटर लॉस होता है, केवल 1% जो है वाटर का यूज़ करता है प्लांट उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। याद रखना, केवल 1% प्लांट का यूज़ होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और इन दोनों को मिलाकर, ईटी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मिलाकर हम कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसको मैं आपको इरिगेशन के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात यह कि इतना लॉस हो रहा है, और अगर सूखा क्षेत्र है, मतलब क्या है, सूखा क्षेत्र है और मान लो यहाँ पर इतना पानी का लॉस होगा, तो फिर सूखे क्षेत्र में हम पानी कहाँ से लाएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें आती, वो हम यूज़ करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या यूज़ करते हैं, एंटी ट्रांसपायरेशन, एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब वाष्पीकरण को रोकने के रोकने के लिए जो हम काम करते हैं उसको एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट वाष्पोत्सर्जन जो है उसको कम करने के लिए, उसके विरोध में जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल जो रिड्यूस कर देता है ट्रांसपिरेशन को, उसको हम एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे पदार्थ का उपयोग करना जो वाष्पोत्सर्जन को कम कर दें, ठीक है। तो मटेरियल डेट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, मतलब क्या हो गया, एंटी ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया, मटेरियल डेट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, हमेशा बोल सकते हैं मटेरियल डेट रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाले पदार्थ हम बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, ऐसे पदार्थ जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे पदार्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऐसे पदार्थ में एक तो आता है मल्चिंग, मल्चेस आ जाते हैं, ठीक है, मल्चेस, फिर एंटी ट्रांसपेरेंट भी आता है इसमें, एंटी ट्रांस, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, और विंड ब्रेक्स भी आते हैं, ठीक है, विंड ब्रेक्स भी आते हैं, विंड ब्रेक्स भी आते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट, मल्चेस आता है, एंटी ट्रांसपेरेंट और विंड ब्रेक्स आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंटी ट्रांसपेरेंट को देखते हैं। मल्चेस आपको समझते हैं, मल्चेस मतलब क्या होता है, सोइल को कवर करना, चाहे आप रेसिड्यूस से कवर करो या पन्नी वगैरह से किसी से भी कवर करो, तो उसको हम बोलते हैं मल्चेस, ठीक है। मल्चेस मतलब जो क्रॉप रेसिड्यूज है, जो अवशेष है फसलों के अवशेष है, उससे आप क्या करो, सोइल को कवर कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो कि जो पन्नी है, व्हाइट, जो ब्लैक जो मल्चेस होती है, व्हाइट मल्चेस होती है, उसे आप कवर कर सकते हो। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, देखो मैं मल्चेस की थोड़ी बता देता हूँ। मल्चेस के बारे में बात करें तो क्या होता है, ये कवरिंग मटेरियल, सोयल कवरिंग मटेरियल बोल सकते हैं इसको, सोयल, सोयल कवरिंग मटेरियल, ठीक है, सोयल को कवर करने वाले पदार्थ, मृदा को ढकने वाले पदार्थ, क्या बोल सकते हो, मृदा को ढकने वाले पदार्थ, मृदा को ढकने वाले पदार्थ आप इसको बोल सकते हो। होता क्या है इसमें, मान लो ये हमारी क्या है, सोयल है, ठीक, सोयल है, ये हमारी क्या है, सोयल है, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या करना है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है। इसका मेन पर्पज़ क्या है, मॉइस्चर कंजर्वेशन, जो हम पढ़ रहे हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन,
ठीक है, जो एंटी ट्रांसपेरेंट हम पढ़ रहे हैं, लॉस को कम करना मतलब मॉइस्चर कंजर्व करना। तो यहाँ पर मान लो हम पन्नी यूज़ करते हैं, ठीक है, या क्रॉप रेसिड्यू यूज़ करते हैं, तो जो सन की लाइट है वो क्या आएगी, इस पन्नी पर आएगी और यहाँ पर आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंदर का जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा, अंदर का टेम्परेचर वो लो रहेगा, मतलब मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर जो बना रहेगा, ठीक है। तो कवर करने का सेंस यह रहता है कि ये जो आएगी यहाँ पे रेडिएशन जो आएगी वो यहाँ इस पन्नी से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, अंदर बहुत कम रेडिएशन जा पाएगी, जिससे होता है अंदर की जो सरफेस है या सोइल की जो सरफेस है वो ठंडी रहेगी, कूल रहेगी। तो यहाँ पर हम सूखे से बचने के लिए मल्चिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये मल्चेस वाला पार्ट हो गया। दूसरा एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में याद करना, एंटी ट्रांसपेरेंट। अब एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल है जो सोयल को क्या करते हैं, कवर करते हैं या फिर सोयल मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करते हैं, ये काम है। अब ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्टोमेटा, स्टोमेटा टाइप, स्टोमेटा टाइप, ठीक है, स्टोमेटा टाइप। अब स्टोमेटा टाइप जो पहला है, स्टोमेटा मतलब देखो आपको पता है 80-90% जो ट्रांसपिरेशन होता है, 80-90% जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है या वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, याद रखना ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। 80-90% जो है ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के द्वारा होता है, जो रंध्र होते हैं पत्ती के ऊपर, जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और उनके द्वारा जो 80-90% वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, तो 80-90% इनके द्वारा होता है। अगर हम इनको बंद कर दें, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ओपन होते तो ट्रांसपिरेशन होता है, बंद होते तो नहीं होता है, ठीक है। रात में रंध्र बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा रात में क्लोज हो जाते हैं, दिन में ओपन होते हैं, क्योंकि दिन में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। क्रोफिजियोलॉजी में और अच्छे से पढ़ेंगे हम इस चीज़ को, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब बंद होते हैं, किस तरीके के प्लांट में ओपन होते हैं, किस तरीके से प्लांट में बंद रहते हैं, ये सारी चीज़ें, C4 C3 केम प्लांट, ये सारा। तो स्टोमेटा को अगर हम क्लोज कर दें, स्टोमेटा को अगर हम क्लोज कर दें तो क्या होगा, हम ट्रांसपिरेशन है जो वाटर का लॉस है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि पता है 80-90% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन ड्यू टू क्लोजिंग स्टोमेटा, क्या कर सकते हैं, ड्यू टू क्लोजिंग स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा को हम क्लोज कर दें, स्टोमेटा को बंद करके हम वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो रंध्र है, रंध्र को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसको बंद कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो एक फंजीसाइड यूज किया जाता है, फंजीसाइड, फफूंद नाशक, क्या बोलेंगे, फफूंद नाशक, इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है PMA, PMA, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट पूरा नाम है, PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट फंजीसाइड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, मतलब शाकनाशी, शाकनाशी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब शाकनाशी में हो जाए एट्राजीन, एट्राजीन, एट्राजीन का यूज किया जाता है, एट्राजीन का इस्तेमाल किया जाता है, एट्राजीन जो मक्का में भी यूज़ करते हैं, सीमाजीन, एट्राजीन मक्का में हम यूज़ करते हैं। हर्बिसाइड भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हर्बिसाइड से पूछा हुआ, भले आपके सिलेबस में ना हो पर मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, हर्बिसाइड वाला पार्ट जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्लाइफोसेट से रिलेटेड आपकी एग्जाम में, तो उसको भी हम कवर करेंगे, एक लेक्चर उसका भी करेंगे। दूसरा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो आप, एब्सिसिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल सी मतलब साइकोसिल का भी यूज़ कर सकते हो, किसको, रंध्र को बंद करने के लिए। ये दोनों क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर मतलब वृद्धि रोको रोकने वाले, वृद्धि नियामक शायद बोलते हैं इसको हिंदी में, वृद्धि नियामक बोलेंगे शायद, वृद्धि को रोकने वाले, ग्रोथ रिटार्डेंट बोलो, इनहिबिटर ग्रोथ को रोक देते हैं। तो एब्सिसिक एसिड और साइकोसिल ये दोनों हार्मोन है, इसका भी रंध्र को बंद करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टोमेटा टाइप हो गया। स्टोमेटा टाइप के बाद में अगर आपसे बात करूं तो फिर यहां पर आता है दूसरा, फिल्म फॉर्मिंग टाइप, क्या जाएगा, फिल्म, फिल्म फॉर्मिंग टाइप,
फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप क्या होता है कि जो हमारी प्लांट्स की लीव्स होती है, ठीक है, ये प्लांट की अगर मान लो लीव्स हैं, तो इस लीव्स पे क्या करते हैं, ऐसे एक लेयर चढ़ा देते हैं, थीन लेयर, ठीक है, थीन लेयर अगर आप कर दो इसके ऊपर, प्लांट के ऊपर थीन लेयर, क्या करो, थीन फिल्म अब यहाँ पर क्या कर दो, इसके ऊपर डाल दो। अब थीन फिल्म किसी भी हो सकती है, आप वैक्स कर सकते हो, मतलब क्या यार कर सकते हो, वैक्सेस कर सकते हो, ऑयल, ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, ऑयल भी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है। अब जैसे थीन लेयर करेंगे तो जो वही बात हो गया ना, ये क्या करेगा, जो रेडिएशन आएगी उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, पत्ती पर पहुँचेगा नहीं, रंध्र बंद हो जाएंगे, काम वही करेगा। और आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन का आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है, हेक्साडेकेनॉल कर सकते हो, हेक्साडेकेनॉल इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो जो थीन फिल्म बन जाएगी, एक परत ऊपर बन जाएगी, मोम की परत जैसे ना, तो क्या होगा, अंदर जो है रंध्र ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे, सूर्य की रेडिएशन आएगी वो वापस पलट के चली जाएगी, ट्रांसपिरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप आप प्लांट के ऊपर क्या हो, एक थिन फिल्म बना सकते हो, एक पतली परत बना सकते हो, ये क्या काम करेगी, ये बैरियर का काम करेगी, फिजिकल बैरियर का काम करेगी, क्या काम करेगी, फिजिकल बैरियर का काम करेगी, ठीक है, ये भौतिक अवरोध पैदा करेगी, क्या ये करेगी, भौतिक अवरोध, किसके बीच में, जो रेडिएशन आ रही वो और जो प्लांट हमारा है, जैसे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके बीच में बैरियर हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तीसरा जो होता है वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है, हमें ऐसे मटेरियल यूज करना है जो सूर्य की रेडिएशन को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट में जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है वो कौन कौन से, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल में आ जाता है आपका केओलाइन एट द रेट ऑफ 5%, ये आप यूज कर सकते हो, केओलाइन, ठीक है, हिंदी मतलब भी वही होता है तो कोई सेंस नहीं लिखने का, ठीक है। फिर आता है चाइना क्ले, क्या लिखोगे, चाइना क्ले, चाइना क्ले हिंदी में लिखोगे तो वही चाइना क्ले, ठीक है, चाइना क्ले। लाइम आप यूज़ कर सकते हो, चूना जिसको हम बोलते हैं, चूना आप यूज़ कर सकते हो, लाइम आप यूज़ कर सकते हो रिफ्लेक्टिंग टाइप में। ये क्या करेगा, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो सीधी सी बात है ट्रांसपिरेशन रेट कम होगी, अल्टीमेटली वही है कि रंध्र बंद रहेंगे, रंध्र बंद रहेंगे, स्टोमेटा काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, चौथा जो है वो है ग्रोथ रिटार्डेंट, ग्रोथ रिटार्डेंट, वृद्धि रोधक आप बोल सकते हो, है ना, वृद्धि रोधक। अब वृद्धि रोधक का क्या मतलब है, इसमें मेनली आता है अपना ट्रिपल सी जिसको हम बोलते हैं साइकोसिल, क्या बोलते हैं, साइकोसिल, ठीक है, आइए ये साइकोसिल, क्या बोलते हैं इसको, साइकोसिल, ट्रिपल सी को हम साइकोसिल बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये एक हार्मोन है, सीधी सी बात याद रखना है, क्या है, ये हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन है ये। ये क्या काम करता है, ये शूट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ये क्या करता है, शूट की जो ग्रोथ है उसको ये रिड्यूस कर देता है, मतलब क्या है, जो तना है हमारा, तना की जो वृद्धि है, ऐसा बोल सकते हो, तने की वृद्धि को ये रोक देता है और जो रूट की ग्रोथ है उसको बढ़ा देता है, रूट की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, जड़ की वृद्धि बढ़ा देता है, जड़ की वृद्धि को बढ़ा देता है। अब सीधी सी बात है, एक तो प्लांट, एक लंबा प्लांट है, इसकी जड़ छोटी है, तो अब सीधी सी बात है, तो ड्राई स्प्ले, ड्राई एरिया होता है वहाँ पर जो है वाटर आपको नीचे ही मिलेगा, अगर हम क्या करें, इसकी जो है ऊपर वाली हाइट कम कर दें और इसकी रूट की ग्रोथ बढ़ा दें, रूट की ग्रोथ बढ़ाते तो ये नीचे से वाटर को और न्यूट्रंस को ले पाएगा, जिससे वो आराम से क्या करेगा, यहाँ पे अपना ऊपर जो हाइट कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन जो रेट है वो भी कम हो जाएगा, और नीचे अगर रूट बढ़ जाएगी, रूट बढ़ जाएगी तो नीचे से वाटर और न्यूट्रन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये इसका रीज़न होता है, ठीक है। तो ये हमने जो ट्रांसपेरेंस और एंटी ट्रांसपेरेंस डिस्कस किया, दोनों मल्चिंग डिस्कस कर लिए, अब बात आती है विंड ब्रेक की, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट, शेल्टर, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। बच्चा देखो इसकी नीप टूट गई इसलिए थोड़ी सी राइटिंग वैसी आ रही है ना, इसकी आगे जो नुक है वो टूट गई है, तो आप चिंता नहीं करना, समझने की कोशिश करना, कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, शेल्टर बेल्ट, ठीक है, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। अब बोल सकते हैं अब हिंदी में क्या बोलूँ, विंड ब्रेक याद रखो, शेल्टर बेल्ट याद रखो, ज़्यादा अच्छा है अगर मैं बोलूँ, या हवा अवरोधक बोल सकते हैं, और या शेल्टर बेल्ट को भी हवा अवरोधक ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों हवा को रोकने का ही काम करेंगे। विंड ब्रेक जो होता है कोई भी मटेरियल हो सकता है, विंड ब्रेक जो क्या हो सकता है,
एनी मटेरियल टू रिड्यूस द विंड फ्लो, ठीक है, ये क्या करता है, विंड की फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं, विंड का जो फ्लो है उसको रिड्यूस करेंगे, हवा का जो फ्लो है, बहाव है, उसको कम करते हैं, हवा की गति को कम करते हैं। सीधी सी बात, एक क्या काम करते हैं, हवा की गति को ये कम करने का काम करते हैं, हवा की गति को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, विंड ब्रेक जो होता है, विंड ब्रेक कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, एनी स्ट्रक्चर, कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी संरचना हो सकती है, कोई भी संरचना हो सकती है, कोई भी संरचना हो सकती है जो हवा को रोके। और शेल्टर बेड की मैं बात करूँ तो शेल्टर बेड क्या होता है, ये इसमें हम लगाते हैं रो ऑफ ट्री, ट्री आर श्रब, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं पंक्ति में वृक्ष, वृक्षों व झाड़ियों की कतार, कतार लगाते हैं कहाँ पर, एक्रॉस दी विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा के विपरीत, है ना, हवा की दिशा के विपरीत, विपरीत या एक्रॉस दी विंड डायरेक्शन, क्या लिखोगे, या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्रॉस दी विंड डायरेक्शन, हवा की दिशा के एक्रॉस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये बस इतना, विंड ब्रेक जो होता है कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो हवा की गति को कम करे, और शेल्टर बेड का मतलब होता है झाड़ियाँ हो सकती है, पेड़ हो सकते हैं जिनको हम लगा सकते हैं, मान लो ये हमने लगा दी ये झाड़ियाँ, इस तरफ से हवा आ रही, अब ये क्या करेगा, इस समय इस तरफ आपकी क्या है, फील्ड है, ठीक है, इस समय आपकी फील्ड है, अगर हवा भी क्या करती है, ट्रांसपीरेशन के रेट को बढ़ा देती है, याद रखना, हवा भी क्या करती है, ट्रांसपीरेशन का रेट को बढ़ा देती है। सीधी सी बात है, अब छाँव में भी कपड़े सुखाओगे तो सूख जाएगा, क्यों, क्योंकि हवा क्या करती है, जो होगा इवापोरेशन होगा वो आपके कपड़ों से भी होगा, हवा भी क्या करती है, ट्रांसपीरेशन करती है, ट्रांसपीरेशन के रेट को बढ़ा देती है, ठीक है। एक आप बंद कमरे में कपड़े सुखाओगे लेट सूखेंगे, बाहर हवा में सुखाओगे जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी क्या करती है, पानी को जो है इवापोरेशन कराती है। तो अगर ये आपने लगा दिया यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर या पेड़ पौधे लगा दिए, इस तरफ से डायरेक्शन अगर हवा इस तरफ से आ रही है, क्या करेगा, हवा की गति को कम करेगा, हवा कम होकर इस तरीके से निकलना शुरू करेगी, तो आपके फील्ड पर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की रेट को कम कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने समझा बच्चों कि ड्रॉट होता क्या है, पांचों प्रकार के ड्रॉट को समझा, फिर ड्रॉट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एंटी ट्रांसपीरेशन यूज़ कर सकते हैं, मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं, और विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेड यूज़ कर सकते हैं। विंड ब्रेक्स शेल्टर बेड्स आके हम और पढ़ेंगे, सोइल कंजर्वेशन जब पढ़ेंगे सोइल साइंस के अंदर, वाटर सेट मैनेजमेंट और सोइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में आपको क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर फिर से पढ़ाऊंगा, जहाँ पर स्टोमेटा वगैरह के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप ये थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों कमेंट्स में जरूर बता देना कि हाँ सर क्लियर हुई है चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।